हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजू प्रताप। आज मैं आपको सिखाऊंगी पेपर से बॉक्स कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक पेज लेंगे, आप कलरफुल पेज लीजिएगा, जो आपका जो पसंद हो वो पेज ले लीजिए। ब्लू कलर मैंने पसंद किया है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेपर की कटिंग करनी है, हमें एक साइज़ का पूरा चाहिए। पहले इसको नाप लेते हैं दोस्तों। ये हैं 15, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इस साइड भी चाहिए, तो इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि जो ये कोना होता है दोस्तों, उस कोना को उठा करके जहाँ तक पहुँचता है वहीं तक रखना है। चलिए ऐसे ही आपको करना है दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे उठाइएगा दोस्तों। अब देखिए जहाँ तक पहुँच रहा है, और इस कोने को फिंगर से पकड़ लीजिए। अब ये देखिए ऐसे ही दबा देना है आपको। एक हाथ से इधर पकड़िए, एक हाथ से उधर ऊपर की साइड में, फिर इसको फिंगर से ऐसे धीरे से दबा दीजिए, तो हमारा एक साइज़ का बन जाएगा। इसको हम ऐसे पकड़ के दोनों किनारे के साइड में हम ऐसे दोनों के फिंगर की मदद से ऐसे ऊपर ले जा कर के इसको नीचे में दबा देना है। तो अब ऐसे इसकी भी कटिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम सीधी लाइन बन गया है। स्केल रखिए और इसको ऐसे ऐसे दबा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब इसकी कटिंग करनी है हमें। ऐसे बहुत टाइट से पकड़ लीजिए और ऐसे खींच दीजिए, तो आपका बन जाएगा, तो आपकी कटिंग अच्छे से होगा। ये सबसे आसान देखिए, आप कटर लेना है आपको, और धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे कटिंग करनी है। आपको तेज तेज से नहीं करना है, फास्ट नहीं करना है दोस्तों, वरना कहीं ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को। तो धीरे धीरे कटिंग करनी है इसको। बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ सा कटिंग हो गया है, बहुत एक साइज़ का कटिंग हो गया है। ये देखिए खोलने से पता चल जा रहा है, तो एक साइज़ का आपका कटिंग हो गया है। और पहला स्टेप यह है दोस्तों कि एक साइड में फोल्ड कर दी हूँ, और आपको यही करना है, एक साइड में फोल्ड करना है, फिर उसके बाद इस कोने को उठा करके इस कोने में रखना है। आप बीच में पकड़ लीजिए, फिंगर को रख दीजिए और इस कोने में टच करा दीजिए, और इस कोने में आपको फिंगर से दबा देना है, फिर यहाँ से ऐसे फिंगर से आपको यहाँ दबा देना है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे फोल्ड करने का यही आसान तरीका है। आप दोनों हाथ से कीजिए, देखिए एक क्रॉस का निशान बन गया है यहाँ पे, 2 फोल्ड हो गए हैं। अब 3 फोल्ड करना है, अब इसे ऐसे फोल्ड करना है आपको, इसके अपोजिट। अब इसको इसे उठा करके इधर टच कराना है, इसे पूरा टच कराना है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे टच कराना है दोस्तों, और यहाँ भी ऐसे फोल्ड कर दीजिए। इस साइड भी करना है और इसको भी फोल्ड करना है। चौथा स्टेप ये होगा कि इसे भी इसके अपोजिट फोल्ड करना है। इसको ऐसे रख दीजिए दोस्तों, मैं आपको बहुत आसान तरीका सिखा रही हूँ दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इतना आसान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारा फोल्डिंग वाला काम हो गया है, देखिए हमने 4 बार फोल्ड किया। आपको याद होगा पूरे शुरू से मैं आपको फोल्ड करना सिखा रही हूँ। पहले ऐसे फोल्ड करना है इस साइड, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 8 लाइन बन जाएगा तो इसका मतलब है कि आप सही फोल्ड कर रहे हैं। आपको 8 लाइन बनना चाहिए, देखिए 8 लाइन है। ये एक बार फोल्ड हो गया है, दूसरा फोल्ड करना है। दूसरा स्टेप पे आपको करना है ये कि जो ये कोना है दोस्तों, ये इसे ले जा करके इस कोने में रखना है, इस कोने बीच में आपको बीच में रखना है एकदम। चलिए ऐसे आपको उठा करके यहाँ पे ऐसे रख दीजिए एकदम, आपको आगे पीछे नहीं करना है इसमें। ऐसे यहाँ पे एक फिंगर रखिए और फिंगर पीछे के साइड में दबा दीजिए। आपको चारों तरफ में यही करना है, आपको ऊपर की ऐसे उठा करके बीच में रखना है और इसे दबा दीजिए फिंगर से, और फिर पीछे की साइड में ले जाके इधर किनारे साइड दबा दीजिए, उधर ऐसे दबा दीजिए। बहुत 2 हो गया है दोस्तों। ये देखिए तीसरा, अब इसे फिर से उठा करके आपको स्टेप चारों में यही करना है दोस्तों। बच्चों
आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत आसान, इतना आसान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बहुत आसान सिखाती हूँ। ये देखिए तीन हो गया दोस्तों, अब चौथा ये है, इसे उठा करके यहाँ पर रख देना है। ये देखिए फिंगर को दबा करके यहाँ पीछे की साइड में दबा दीजिए। देखिए चार बार हो गया दोस्तों, 1 2 3 4, 4 बार करना है आपको। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, 3 स्टेप ये होगा दोस्तों। अब इस कोने को फिर से यहाँ तक फोल्ड करना है, ले जा करके यहाँ पे फोल्ड करना है। यहाँ जो आखिरी में जो लाइन बनी रहेगी, जब हम फोल्ड करते हैं तो लाइन बन जाती है, तो यहाँ जो अब ध्यान दीजिएगा इस लाइन में, इसी लाइन को टच कराना है। जो इस लाइन और ये एक लाइन है, ये एक लाइन जो क्रॉस का क्रॉस बन जाता है, बीच में क्रॉस बनेगा दोस्तों, और इसी लाइन में आपको टच कराना है। इस कोने को उठा करके टच कराना है। ये भी टच हो गया है, फिंगर को रख दीजिए ऐसे पीछे की साइड में, और इधर किनारे ऐसे आपको फोल्ड करना है। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ऐसे चारों तरफ में कुछ चारों की तरफ में ऐसे ही करना है। ये हो गया दोस्तों। अब इसे उठा करके इधर बीच में सबसे लास्ट में ऐसे रखना है, कोन इसका जो कोना है यहाँ बीच में रखना है। इसके जो क्रॉस का निशान बन जा रहा है वहाँ पे फिंगर रखिए और ऐसे ऐसे दबा दीजिए, तो आपका बन गया। तो 2 हो गया दोस्तों। अब चौथे पे तीसरा होने वाला है। अब इसको उठा करके यहाँ पे रखना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कंप्लीट हो गया है फोल्डिंग का काम। अब हम फोल्ड करेंगे, 3 स्टेप में जाते हैं दोस्तों। 3 स्टेप ये हैं कि जो ये कोना है, तो अब हम पहले हम लास्ट में टच कराए थे, अब इधर लास्ट वाला छोड़ के दूसरे नंबर पे टच कराएंगे। ये तीसरा स्टेप बाय स्टेप है दोस्तों, तीसरे के बीच में टच कराना है। अब कोना उठाना है आपको, इसको यहाँ पे रख दीजिए, छोटा टच करा दीजिए और इधर फोल्ड कर दीजिए। आपको यही स्टेप चारों की तरफ में यही करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले सेकेंड स्टेप में हमने सबसे लास्ट वाली रखी थी, अब 3 स्टेप में हम सेकेंड में रखूँगे, इसका अपोजिट। ये रखी मैं इधर और इधर दबा दी दोस्तों। आपको चारों तरफ में यही करना है, ऐसे ही आपको करना है दोस्तों। ये बहुत आसान तरीका है, आपको सिर्फ फोल्ड करना है बस। आपको 3 स्टेप है इसमें, आपको इसी चीज़ को ध्यान रखना है, आपका बॉक्स आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। आप इसमें पेन भी रख सकते हैं, कोई खाने की चीज़ भी रख सकते हैं, और इसको आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये देखिए हमारा, ये ऐसे फोल्ड करना है आपको। अब चौथा स्टेप, आपको कोई भी कोना ले लीजिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कोना मैं ली हूँ दोस्तों, आप देखते रहिए। तो आपको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है, एक बार यहाँ पर फोल्ड करना है आपको पीछे की साइड में, एक बार सिर्फ 1 बार ऐसे फोल्ड कर दीजिए, और फिर इसको जो इसके सामने है वही फोल्ड करना है, इधर किनारे साइड में नहीं करना है आपको, इधर करना है। इसको भी ऐसे रख दीजिए और इधर भी फोल्ड कर दीजिए, दोनों साइड में फोल्ड हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे आपको फोल्ड करना है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, अब इधर इसको, ये जो दोनों साइड में इधर बन गया है, तो इसको दोनों फिंगर से आपको इसको अंदर ले जाना है। थोड़ा सा अंदर ले जाइएगा, ऐसे रुकिए 1 मिनट, इसको दबा दीजिए ऐसे। देखिए दोस्तों, इसको हल्का सा आपको थोड़ा खोलिए, फिर से अंदर की साइड में ऐसे अंदर की साइड में ले लीजिए आप, तो आपको ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा दोस्तों। आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखिए अंदर की साइड में ले ली तो ऐसे बन जाएगा आपका। देखें हम दोस्तों, ऐसे आपका बन जाएगा। इसे फिंगर से अंदर ले लीजिए, ऐसे ऐसे अंदर से, फिर इसे मोड़ करके ऊपर के साइड में इसे दबा देना है, इसे ऐसे अंदर ले जा करके इसे दबा देना है। देखिए दोस्तों, बन गया है हमारा। अब इस साइड में भी करना है वही काम जो हम लोग यहाँ किए थे, यहीं पर करना है दोस्तों। अब इसे अंदर के साइड में ले जाना है ऐसे, और इसे भी, ये देखिए दोस्तों, अंदर के साइड में थोड़ा सा हल्का एक तिरछा का निशान हल्का ऐसा बना रहेगा,
आप बस मेरे वीडियो को देखिए और मैं आपको बहुत आसान तरीका, ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, देखिए आप। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसे अंदर ले जा करके इसको ऐसे दबा देना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया। फिंगर से दबा दीजिए, ये देखिए दोस्तों नीचे का हिस्सा बन गया है। अब चलिए इसका वो ढक्कन बना लेते हैं। इसमें हम पेन भी रख सकते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं दोस्तों। इसके चॉकलेट रख करके अपने स्कूल में ले जा करके खा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा दोस्तों, एक कोई भी कलर ले लीजिए, कोई भी कलर का पेपर ले लीजिए आप। तो फिर इसके साइज में आप काट लीजिए। तो एक पेंसिल ले लीजिए और आप टिक लगा लीजिए। तो पहले नाप लें कि कितना है। ये है 2 सेंटीमीटर, तो आपको 2 सेंटीमीटर लेना है दोस्तों। टिक लगा लीजिए आप 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे लाइन खींच लीजिए पेंसिल से, ऐसे खींचना है दोस्तों। और फिर से इसे भी नाप लेते हैं कितने सेंटीमीटर का है। ये 7.4 है, 7.5 लेना है इसमें दोस्तों। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप 1 पॉइंट, ऐसे बढ़ाने से तो आसानी से वो कवर हो जाता है। 7.45 इधर हो गया, 7.5 फिर से 7.5, दो बार हो गया दोस्तों। अब चलिए लाइन खींच लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 7.5 और 3 2 पॉइंट, 2 सेंटीमीटर और 7.5 लेना है आपको। तो अब देखिए देखिए दोस्तों, अब हमारा स्केल से हमने लाइन खींच दी हूँ और ऐसे ही आपको करना है इसको। तो इसी की मदद से हमने, इसी के सहारे से हमें इसको फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करना है, फिर यहाँ से जब लाइन खींच लेते हैं ना, बहुत आसान हो जाता है फोल्ड करने में। आपको उसमें पेपर ख़राब नहीं होता है दोस्तों, इसलिए लाइन खींचा जाता है। लाइन खींचने का बहुत हेल्प हो जाता है हम लोग। आपको हमेशा लाइन खींच के ही फोल्ड करना चाहिए, ऐसे आपका फोल्ड बहुत अच्छे से हो जाता है, आपका कहीं ख़राब नहीं हो पाता। यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए आप, दोस्तों। अब हम देखिए इसको हम ले जा करके इसको ऐसे रखना है और फिर ऐसे देखिए हमारा एक साइज़ का फोल्ड हो गया। यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा बढ़ा देना है क्योंकि चिपकाने के लिए उसको, हम जब हम चिपकाते हैं तो इसे थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं दोस्तों, इसलिए हम इस तरह जगह छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए अभी हम कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करना है आपको। देखिए देखिए दोस्तों ये कितना लंबा है, पहले देखना पड़ेगा इतना लंबा है। यहाँ टिक लगा दी हूँ, अब स्केल से इसको लाइन खींच देना है जिससे कि कटिंग अच्छे से हो जाए। थोड़ा बड़ा भी कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों ऐसे आपको कटिंग करनी है, लाइन खींच के तो कटिंग करनी है। अगर आपको नापने में दिक्कत हो रहा है तो उसको भी ले लीजिए और ऐसे नाप लीजिए, तो आपका बहुत अच्छे से एक बराबर आपका कट जाएगा। ये देखो ऐसे आपको फोल्ड करना है दोस्तों, पहले ऐसे देखिए 1 2 3। अब देखिए इसको ले लीजिए आप, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, चिपकाते हैं दोस्तों इसको, थोड़ा हल्का हल्का लगाते हैं गोंद को और इधर इसको निकाल लीजिए आप और इसको ऐसे चिपका दीजिए। देखते हैं दोस्तों इसको दाएं तो फिटिंग है कि नहीं। देखिए फिटिंग हो गया है हमारा, एक साइज का देखिए बन गया हमारा बॉक्स। आप पेन भी रख सकते हैं यहाँ पे, इसे अंदर की साइड में दबा लें और इसे भी अंदर की साइड में दबा लें, अंदर की साइड में दब जाएगा। बहुत अच्छा बॉक्स बन गया दोस्तों, देखिए
चलिए इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। पहले हम इसमें जो हमारा कागज़ बच गया था, एक क्राफ्ट बना रही थी तो कागज़ बच गया था, जिसकी हम ये कता पीता कागज़ है दोस्तों। अब इसको हम बटरफ्लाई बना लेते हैं 1-2। पहले ऐसे कागज़ ले लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फिर से फोल्ड कर दीजिए। 2 बार फोल्ड करेंगे तो 2 बार आपका बटरफ्लाई बन जाएगा, रेड कलर का बहुत प्यारा सा बटरफ्लाई बन जाएगा आपका। देख लीजिए आप, ऐसे आपको बटरफ्लाई बनानी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ चिपका देना है आपको, एक यहाँ पे चिपका देना है। ये देखिए दोस्तों हमारा 2 बटरफ्लाई, और इसको चिपका देते हैं आप। थोड़ा सा गोंद लेंगे और यहाँ पे छोटा सा हल्का सा गोंद लगाया जाता है दोस्तों। आप हल्का सा लगाइए, जैसे छोटा सा लगाते हैं। एक साइड में इधर चिपकाइए और 1 साइड में हल्का सा लगाइए और इधर चिपका दीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत लगा है दोस्तों, बहुत अच्छा है। अब दोस्तों एक पेन लीजिए और इसमें हम बनाते हैं आइज। देखिए पहले हम एक बनाएंगे सी, उल्टा सी बनाएंगे, यहाँ पे भी उल्टा सी बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग आईब्रो निकाल लेंगे, थोड़े से ऐसे सेट कर देंगे इसको। ऐसे ही आपको करना है दोस्तों, देखिए कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे एम बना लूँगी, ऐसे आपको बनाना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कलर पेन लेंगे, रेड कलर का यहाँ पे छोटा सा निशान बना दीजिए। अब ऐसे से डेकोरेशन के लिए आपको ऐसे से करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ किनारे की साइड में कर लीजिए आप। ये देखिए दोस्तों, ऐसे आपको ऊपर नीचे करना है, यहाँ पे भी कर लीजिए आप, ऐसे पूरे किनारे के साइड में आपको करना है। ऐसा करने से आपका बॉक्स बहुत खूबसूरत लगने लगेगा, देखने में आपको बहुत वाही वाही मिलेगा वहाँ पे क्लास में। ये देखिए दोस्तों, अब चलिए एक और डेकोरेशन कर लें। यहाँ पे एक हम लेते हैं बच्चा कुचा कागज़ था मेरे पास, तो आप इसको डेकोरेशन कर लेते हैं। देखिए हम लोग हाथ का एक हाथ शेप में कटिंग करना है, 4-5 फोल्ड कर दें, फिर सिर्फ 1 बार फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। करना है कटिंग, इसे नीचे से काटिए और फिर पेज को घुमा लीजिए, बस आपकी बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ सा कटिंग हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से करना है दोस्तों आपको कटिंग। ये देखिए दोस्तों बहुत सुंदर सा कटिंग हो गया है, फोल्ड हो गया। अब इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, फोल्ड निकल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों निकल गया है दोस्तों थोड़ा सा। ये देखिए अब इसको यहाँ पे चिपका देना है, ऐसे ऐसे भी यहाँ पे हल्का हल्का लगाइएगा, ऊपर बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। ये बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों, इतना प्यारा मैं कभी देखी नहीं हूँ। ये देखिए दोस्तों ऐसे आपको करना है। अब इसमें आप बहुत कुछ रख सकते हैं, ये देखिए खोलिए ऐसे और कॉफ़ी रख लीजिए, बहुत सारा कॉफ़ी रख लीजिए यहाँ पे और इसको फैला लीजिए, इसको अंदर बंद कर लीजिए। अब इसको फ्रेंड को ऐसे निकालिए, अपने फ्रेंड को निकालिए और टॉफी दे दीजिए आप उनको। ये देखिए ड्रम बॉक्स बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। आपको ऐसे बनाना बहुत आसान है तरीका, मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाई हूँ, आपको इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए दोस्तों ऐसे निकालिए, खा लीजिए और यहाँ पे इसमें आप पेन भी रख सकते हैं, टॉफी निकाल लीजिए आप। ऐसे निकालिए आप, ढक्का दीजिए पीछे से, 5 कलर आएगा इसमें। ऐसे रख लीजिए आप और कलर रख लीजिए, जितना मन का है उतना कलर रख लीजिए आप। आपका बॉक्स बन गया है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। रेड कलर ले लें और
यहाँ पे कलर करेंगे, थोड़ा सा हार्ट शेप में कलर करने से हार तो बहुत प्यारा लग रहा है। जब दोस्तों अपने दोस्त को गिफ्ट करना चाहें तो आप इसे ऐसे बहुत छोटा सा ऐसे लिख लीजिए और इसके अंदर रख दीजिए और अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दीजिए, तो आपकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाएगी। ये देखिए बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए आप।